हेलो फ्रेंड, जागृति किचन में आप लोग का वेलकम है। आज हम चकत्ता बनाने वाले हैं लावा का। इसको लावा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। यहाँ पर हम 250 ग्राम मतलब 100 ग्राम लावा लिए हैं। ऐसे कलकत्ता में खोई भी कहते हैं। यहाँ पर 250 ग्राम मीठा लिए हैं, गुड़ लिए हैं। आपको जो भी गुड़ लेना है आप ले सकते हैं। चलिए, इसे 100 ग्राम लावा लिए हैं। ऐसे कलकत्ता में खोई भी कहते हैं। यहाँ पर 250 ग्राम मीठा लिए हैं, गुड़ लिए हैं। आपको जो भी गुड़ लेना है आप ले सकते हैं। चलिए, इसे हम ऑन करेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई चाहेंगे, उसमें हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ को पिघलने देंगे। ये देखिए, इसे मीडियम लो पर हम गुड़ को पकाएंगे। चलिए, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे गुड़ को थोड़ा गलने के लिए। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच ही हम डालेंगे और ये बहुत अच्छा घुल के बनकर रेडी होगा। चलिए, कितना आपको पकाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। गुड़ को पास्ता बनाना है आपको, 2 तार के आसपास आपको लगेगा। ये देखिए, गुड़ मेल्ट हो गया है। चलिए, अभी इसे उबाल आने देंगे। मीडियम हाई लो पर हम पका रहे हैं। हाई पर नहीं पकाना है, मीडियम पर पकाना है। अगर हाई पर पकाएगा जल जाएगा। अब इसे हम 2 तार बनाकर आपको दिखाएंगे कितना आपको पकाना है, वो भी हम सटीक आपको बनाकर दिखाएंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच के आसपास हम सौंफ डाल देंगे। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है और ये ना बिहार का रेसिपी है। बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है। मेरे घर पर पहले बनता था, अब नहीं बनता है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए, ये 10 मिनट में ये बनकर रेडी होता है। चेक करेंगे, कर लेंगे। बॉल में पानी लिए, पहले भी चेक किए तो नहीं हुआ कंप्लीट। अब ये एक डोरा इसमें हम डालेंगे। ये देखिए, ये फसल नहीं रहा है, इसका मतलब ये कम्प्लीट हो गया है। देखिए, अगर फसल जाएगा तो ये कम्प्लीट नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर हम लावा डाल लेते हैं, भी कह सकते हैं। देखिए, खोई हम डाल रहे हैं। अब इसे मिक्स भी करते जाना है आपको धीरे धीरे। सारी इसे हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, चकत्ता बनकर रेडी हो गया। चलिए, इसे हम एक पोलिथीन पर निकाल लेते हैं। उसे गोल गोल कैसे कट करना है वो भी हम दिखा देते हैं। हम गैस को ऑफ कर देते हैं। देखिए, एक पोलिथीन पर हम ज़्यादा चिकना कर लिए हैं। अब इसे हम निकाल लिए हैं। अब इसे हम तो हाथ गीला हाथ करके इसे हम पसारेंगे। ये हम हाथ भिंगा कर ऐसे इसको हम कर लेंगे। अभी तो थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब उसके बाद हम कट करेंगे। ये देखिए, कितना अच्छा बनकर चकत्ता रेडी हुआ है लावा का। ये देखिए, सारे हम चकत्ता को कट कर लिए। कट करने के लिए मेरे पास सामान नहीं था तो मैं केन का ढक्कन यूज की हूँ। ये देखिए, कट कर रेडी हो गया। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए, मेरा बनकर रेडी हो गया है कि बिहार का फेवरेट चकत्ता बनकर रेडी हो गया है। गंगा दशहरा में ये बहुत मिलता है, अदर नहीं मिलता है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट।